वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एफिशियम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको विमीय विश्लेषण पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए थे। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में विमाओं के उपयोग पर आधारित प्रश्न हल करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है ना। अब आपके सामने है चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन, इसका टॉपिक है विमीय विश्लेषण। इस विमीय विश्लेषण में ये पार्ट 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है ना। अब आगे की बात हम करें, विमाओं के उपयोग पर आधारित हम प्रश्न हल करेंगे, ठीक। इसके पहले यानी कि पार्ट 2 के वीडियो में विमाओं के उपयोग नंबर 1 को हम देखे थे, वो न्यूमेरिकल था। वह क्या था ये भी जान लो, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, ये हम हल कर चुके हैं, ठीक है ना। ये पार्ट 2 में मिलेगा। अब आप एक और बात ध्यान दें, आज के टॉपिक में हम क्या हल करने वाले हैं, किसी विमा के उपयोग नंबर 2 और 3 हल करने वाले हैं, ठीक है ना। विमा के उपयोग नंबर 2 में क्या है, किसी भौतिक राशि के समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, और तीसरा है विमीय भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ठीक। अब देखिए प्रश्न विमीय ये 2 और 3 के टॉपिक को हल करने के लिए ये वाला 2 ये दिखाई दे रहा है और ये वाला 3 ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है विमीय विश्लेषण द्वारा सिद्ध किए कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा स्मॉल टी समय में चले गए दूरी का समीकरण h=half gt अशुद्ध है, विमाओं की सहायता से सही समीकरण ज्ञात कीजिए, यह आपका प्रश्न है। तो इस प्रश्न के अनुसार दी गई दूरी का समीकरण क्या है, h=half gt। हमें यह सिद्ध करना है विमीय रीति से कि यह सूत्र गलत है या सही है, ठीक है ना। तो गलत साबित हम करेंगे फर्स्ट पार्ट में और इसको शुद्ध करेंगे हम सेकेंड पार्ट में। तो हल फर्स्ट पार्ट का की शुरुआत करते हैं। अब देखिए कि इसकी शुरुआत में जितने इंडिकेशंस हैं भौतिक राशि अलग अलग दिए गए हैं, जैसे H हुआ, G हुआ, T हुआ, इनके विमीय सूत्र पहले हम लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं विमा, ठीक है। दूरी H की विमा क्या होती है, L लेंथ। गुरुत्वीय त्वरण इसमें G की विमा क्या होती है, LT^-2। समय यानी कि टाइम इसमें T की विमा क्या होती है, T, ठीक है ना। इनका हम आगे बहुत हल्के रूप में उपयोग करने वाले हैं, देखिए रहा। अब यहाँ पर LHS यानी कि स्मॉल H की विमा क्या है, L, ठीक। RHS की विमा =half gt की विमा, ठीक है ना। इक्वल टू क्या मिला, हाफ कांस्टेंट है, ध्यान रखने योग्य बात है, इसकी विमा नहीं होती है। G गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी विमा LT^-2 है, इनटू ये दिखाई दे रहा आपको टी फॉर टाइम, ठीक। अब T^-2 है और T^-1 है, -2 + 1 -1। इस प्रकार से RHS की विमा हमें मिल गई LT^-1, LHS की विमा है L, ठीक। इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि LHS की विमा बराबर नहीं है RHS की विमा, मीन्स स्मॉल एच की विमा बराबर नहीं है हाफ GT की विमा। अतः दी गई दूरी का समीकरण h=half gt अशुद्ध है। यहां तक तो सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, सही समीकरण ज्ञात करेंगे। सही समीकरण ज्ञात करने के लिए अब आगे क्या हम सोचेंगे, ऊपर के प्रश्न को देखते हुए, क्योंकि h ये इक्वल टू था हाफ g इंटू t, इसी को आधार बनाते हुए हम लिखेंगे h 1/2 कांस्टेंट के अगर मानते हैं तो हाफ या यहाँ के यहाँ पर के कर दिया, जी गुरुत्वीय त्वरण, इसका विमा स्मॉल a ले लेते हैं, टी फॉर टाइम की विमा क्या है b, हमें इसी विमा a और b का मान हमें ज्ञात करना है। और देखिए यहाँ पर कांस्टेंट k क्या है, प्रयोग द्वारा प्राप्त मान =1/2, ये अंत में इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब दोनों ओर यानी कि बराबर के पहले और बराबर के बाद में दोनों ओर हमें विमा लिखने पर क्या मिलेगा, स्मॉल h की विमा l, इक्वल टू के सामने इक्वल टू,
कांस्टेंट के समानुपाती स्थिरांक है, इसकी बीमा होती नहीं है जी। गुरुत्वीय त्वरण की बीमा एल टी की घात माइनस टू, पावर ए दिखाई दे रहा है इंटू ये दिखाई दे रहा है, स्मॉल टी टाइम है तो कैपिटल टी इसकी बीमा के आधार पर लिख दिया, और पावर क्या है बी। अब ब्रैकेट के अंदर ए को रखते हैं तो हमें मिलेगा एल के पावर ए, क्योंकि वन में ए का इंटू हो गया तो ए मिला इंटू, तो अलग से देख लो टी के पावर क्या मिला माइनस टू, ठीक है ना, इंटू टी के पावर बी। तो इस आधार पर हमें क्या मिला एल के पावर ए और टी के पावर ये देखिए यहां पर बी माइनस टू है, ठीक बी माइनस टू है, टी एक साथ है ना, इंटू में घाते आपस में जुड़ती हैं या माइनस होने पर घटती हैं, उस आधार पर हमने लिख दिया। अब दोनों ओर हम यानी कि दोनों ओर क्या करेंगे पदों के बीमाओं को समान करेंगे यानी कि कंपेयर करेंगे। कंपेयर किस कैसे करते हैं ये चीज पहले जानना जरूरी है। पहले हम ये एक पद वाले जैसे पावर ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, एक पद वाले को पहले कंपेयर करते हैं। इसमें ये नहीं देखते हैं कि वह एम है कि कैपिटल एल है कि कैपिटल टी है। इसके बाद किसका हम कंपेयर करेंगे आगे आने वाले प्रश्नों में, जिसमें दो टर्म हो जैसे ए और बी हो, ए और सी हो, इस तरह से, और इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे कम पद एल के पावर ए में है, अतः एल को हम कंपेयर करते हैं इंप्लाई दैट। तो ए की पावर एल के पावर वन ए और एल की पावर वन, ठीक है ना, तो कंपेयर करके देखिए एल का तो ए इक्वल टू वन मिला, ठीक ये थी अलग से दिखाई दे रहा। अब हम टी का कंपेयर करके देखें, टी की पावर कितनी है जीरो, ठीक, और टी की पावर कितनी है बी माइनस टू ए, तो बी माइनस टू ए इक्वल टू जीरो, तो बी इक्वल टू टू ए, ए की वैल्यू हम पुट कर दें वन, इक्वल टू क्या मिला टू इंटू वन इक्वल टू टू, ठीक इतनी तो बात समझ में आई गई, ए की वैल्यू हमें वन मिला और बी की वैल्यू टू मिला, ठीक है ना। तो हमें इस आधार पर सही सूत्र क्या मिला, ये एच इक्वल टू के जी के पावर ए इंटू टी के पावर बी, ठीक है ना, इक्वल टू के समानुपाती स्थिरांक की वैल्यू ऊपर हम बताए थे वन बाई टू होता है तो वन बाई टू लिख दिए, जी के पावर ए के वैल्यू वन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और टी के पावर बी तो बी की वैल्यू कितनी है टू। तो इस प्रकार से हमें मान मिला ये एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये देखिए अलग से लिख दे रहे एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए प्रश्न संख्या दो आपके सामने है, ठीक है ना, ये प्रश्न संख्या दो कह रहा है यदि किसी यह सरल लोलक का आवर्त काल कैपिटल टी उसके गोलक के द्रव्यमान स्मॉल एम, धागे की लंबाई स्मॉल एल तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि से आवर्त काल कैपिटल टी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें ये क्या क्या इंडिकेशंस भौतिक राशि के रूप में दिया हुआ है, देखिए विमाएं सबका हम लिखने जा रहे हैं। आवर्त काल कैपिटल टी के लिए ये टी हो गया, गोलक के द्रव्यमान मास कैपिटल एम लिख दिया, धागे की लंबाई लेंथ कैपिटल एल हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की विमा हो गई ये एल टी के पावर माइनस टू, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न अनुसार हमें आवर्तकाल कैपिटल टी का व्यंजक प्राप्त करना है, तो इस आवर्तकाल का व्यंजक के लिए हम क्या देखते हैं टी जो हमें ज्ञात करना है उसको समानुपाती के पहले रखना होता है, अतिरिक्त जितने भी टर्म्स हैं भौतिक राशि हैं उनको समानुपाती के बाद में रखते हैं और इनके पावर को ए बी सी लिखेंगे, ठीक। तो एम के पावर क्या मिला ए, एल के पावर बी और जी के पावर सी, ठीक, और समानुपाती हटाओगे तो समानुपाती स्थिरांक के मिल गया, ठीक। तो आगे हम हल करते हैं विमा रखने के बाद में क्या मिलता है टी इक्वल टू समानुपाती स्थिरांक की विमा होती नहीं है, नहीं लिखा हमने, मास की विमा कैपिटल एम, लेंथ की एल और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एल टी के पावर माइनस टू, और इन तीनों के पावर ए बी और सी रख दिया, इनको कायदे से हल कर लिया तो एम के पावर हमें ए मिला, एल के पावर बी मिला और एल के पावर सी और टी के पावर माइनस टू सी ब्रैकेट ओपन करने पर। अब एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो और टी के पावर वन इक्वल टू क्या मिला ये एम के पावर ए, एल दो जगह है देखिए, तो एल के पावर इंटू में घाते अपन में जुड़ती हैं इसलिए हो गया बी प्लस सी और टी के पावर माइनस टू सी। अब
कंपेयर करने पर बाय कंपेयरिंग बोथ साइड वी हैव एम को अगर हम देखते हैं तो क्या मिला, एम के पावर जीरो, एम के पावर यहां पर ए आ रहा है तो ए इक्वल टू जीरो सीधे सीधे मिल गया हमें। अब एक टर्म सी आ रहा है उसके लिए हम टी को देख लेते हैं, टी की भी अगर देखते हैं तो टी की पावर यहां पर वन आ रहा है, ये देखिए वन लिख दिया, और टी के पावर इधर कितना है माइनस टू सी, तो यह माइनस टू सी। इस प्रकार से हमें मिला सी की वैल्यू माइनस वन बाई टू। ठीक, अब एल के पावर जरा देख लीजिए बी प्लस सी और एल के पावर जीरो, तो एल के पावर अगर हम देखते हैं तो मिलता है बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, हम सी की वैल्यू पुट कर रहे इस जगह पर माइनस वन बाई टू, तो बी माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो, इस प्रकार से हमें मिला बी इक्वल टू वन बाई टू। ठीक, अब क्या करेंगे समीकरण इसको एक मानते हैं, ये चीज ध्यान देने योग्य बात है। और दूसरी बात क्या है कि समानुपाती स्थिरांक के मान प्रयोग द्वारा प्राप्त मान मीन्स बाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के की वैल्यू कितनी होती है टू पाई, तो इसी के की वैल्यू टू पाई हम अगर रख देते हैं इस जगह पर, के जगह पर टू पाई हम रख देते हैं तो क्या मिला के जगह पर टू पाई, एम के पावर ए की वैल्यू जीरो देख लीजिए और एल के पावर बी की वैल्यू वन बाई टू ये देख लीजिए, और सी की पावर ये जी के पावर सी, सी के का मान कितना है माइनस वन बाई टू, ये देखिए जी के पावर हो गया माइनस वन बाई टू। ठीक, इस आधार पर हमें मिला टू पाई ये इंटू यहां पर एम के पावर जीरो वन होता है, एल के पावर वन बाई टू और जी के पावर माइनस वन बाई टू को नीचे लाइए तो जी के पावर नीचे कितना हो गया वन बाई टू। ठीक है ना, इस आधार पर हमें मिला टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। क्यों हुआ ऐसा जरा ध्यान दीजिए, एल के पावर ऊपर वन बाई टू है और नीचे जी के पावर वन बाई टू है, पावर वन बाई टू जो होता है वह अंडर रूट कहलाता है, तो इस आधार पर हमने लिख लिया वैल्यू टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, यही आपका आंसर हो गया, सही सूत्र हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या तीन, प्रश्न संख्या तीन कह रहा है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल स्मॉल वी, माध्यम की प्रत्यास्थता कैपिटल ई तथा घनत्व स्मॉल डी पर निर्भर करती है, विमीय विधि से माध्यम में ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। ये चीज ध्यान दीजिए, सूत्र स्थापित करना है यानी कि इसमें डायरेक्ट विमाओं का उपयोग नंबर तीन अप्लाई हम करने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसमें इंडिकेशंस क्या क्या आए हैं, बहुत ही राशियां कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं, वी ई और डी, वेलोसिटी, इलास्टिसिटी कांस्टेंट और डेंसिटी, इन तीनों की विमा हमने एक एक करके लिख दिया। क्वेश्चन के अनुसार बाय क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या दिख रहा है कि V का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो V का मान जो हमें ज्ञात करना है वो समानुपाती के पहले रख दिया और इन दोनों को E और D को समानुपाती के बाद में रख दिया, जैसा कि हम जानते हैं और हमेशा यही हम करने वाले हैं, समानुपाती के बाद जितनी भी अलग अलग भौतिक राशियां होंगी उनके पावर ए बी सी डी जो भी होगा वो लिखते चले जाते हैं, यहां पर दो भौतिक राशि है इसलिए ई की पावर ए कर लिया और डी की पावर बी कर लिया। ठीक, अब समानुपाती स्थिरांक हटा दो तो समानुपाती स्थिरांक हमें मिल गया के, समानुपाती हटाने पर, ठीक है ना, ई के पावर ए और डी के पावर बी। अब हमें यहां पर ए और बी का मान ज्ञात करना है। याद रखिएगा कि प्रत्यास्थता इस चैप्टर के में समानुपाती स्थिरांक के का मान वन आता है, यह मान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है, यह मान हम अंत में उपयोग करने वाले हैं, यह फिलहाल इक्वेशन नंबर वन के रूप में दिखाई दे रहा है आपको। अब विमाओं का उपयोग करने पर मीन्स विमा सीधे सीधे इनका हम लिखें तो क्या मिलेगा, वी की विमा एल टी के पावर माइनस वन। ठीक है ना, समानुपाती स्थिरांक के की विमा होती नहीं है, हटा दिया। ई की विमा हमें क्या मिला, एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू, ये आपको याद रहना चाहिए, जैसा कि इन तीनों के मान हमने लिख ही दिया है, इन्हीं तीनों के मानों को हम आसानी से लिखने वाले हैं। तो ये इलास्टिसिटी कांस्टेंट की विमा क्या होती है, एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू, वही लिख दिया। और डेंसिटी मीन्स घनत्व की विमा एम एल के पावर माइनस थ्री और के पावर यहां पर ऊपर बी आ रहा है, यहां पर हमें ए और बी ज्ञात करना है। ठीक है ना, अब
बराबर के बाद में हम देखते हैं कि एम भी आ रहा है, एल भी आ रहा है और टी भी आ रहा है, और यहाँ पर केवल एल और टी दो ही है, तो एम को भी पावर जीरो के रूप में लिखते हुए हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या मिला, एम के पावर जीरो, एल के पावर वन और टी के पावर माइनस वन इक्वल टू एम के पावर, ये देखिए ए, एल के पावर माइनस ए और टी के पावर माइनस टू ए, फिर से एम के पावर बी और एल के पावर माइनस थ्री बी। अब जो चीज़ दो बार आ रहा हो इनटू में पावर जोड़ते हैं, उस आधार पर एम के पावर हमें मिला ए प्लस बी। एल के को देखो, एल का मान, एल के पावर कितना है माइनस ए और एल के पावर है यहाँ पर माइनस थ्री बी, तभी तो माइनस ए माइनस थ्री बी आ गया एल के पावर के रूप में। और टी की को देखो जरा, टी के पावर कितना है माइनस टू ए, वही माइनस टू ए हमने लिख दिया। अब कंपेयर करने पर इसके लिए हमने क्या लिख दिया, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलता है, पहले हम देखते हैं ये ए और बी दो टर्म है, ए और बी दो टर्म है और ए यहाँ पर केवल एक टर्म है, तो पहले हम कंपेयर करेंगे टी का। तो टी का कंपेयर करके देखते हैं तो क्या मिलता है, टी के पावर यहाँ पर माइनस वन है और टी के पावर यहाँ पर माइनस टू है, तो माइनस टू ए इक्वल टू माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए तो ए की वैल्यू हमें मिल गया वन बाई टू। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम ये चीज देखिए, बी का मान ज्ञात करने के लिए एम के पावर ए प्लस बी देखेंगे या तो एल के पावर माइनस ए माइनस थ्री भी देखेंगे, इसमें सिंपल है एम के पावर ए प्लस बी। तो हम यहाँ पर एम को कंपेयर करते हैं, एम के पावर को कंपेयर करके क्या दिखाई दे रहा है, एम ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो ए वही चीज हमने ले दिया ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो ए की वैल्यू वन बाई टू हमने रख दिया। ठीक, तो वन बाई टू प्लस बी इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू हमें मिल गया माइनस वन बाई टू। बाई इक्वेशन वन, ये वाला जहां से शुरू करते हैं ना वही इक्वेशन वन होता है, ये इक्वेशन वन होता है। तो इक्वेशन वन फिर से दोबारा हम लिखते हैं, v इक्वल टू के समानुपाती स्थिरांक e के पावर a d के पावर b, a और b दोनों मान हम क्रमशः 1 बाई टू और माइनस वन बाई टू रखते हैं, तो क्या मिला ये देखिए 1 बाई टू और माइनस वन बाई टू। ठीक है ना, तो हमें मिला माइनस वन बाई टू नीचे लाने पर 1 बाई टू प्लस में। ठीक है ना, अब e के पावर 1 बाई टू और d के पावर 1 बाई टू, पावर 1 बाई टू जो होता है ना अंडर रूट के रूप में जाना जाता है, और के समानुपाती स्थिरांक प्रयोग द्वारा प्राप्त मान एक होता है, और ना पता हो तो हम के रूप में भी आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मिला हमें v इक्वल टू अंडर रूट e अपॉन d इक्वल टू, यही आपके सामने आंसर दिखाई दे रहा है। अब देखिए प्रश्न संख्या चार, प्रश्न संख्या चार कह रहा है एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल स्मॉल v, तार में तनाव बल कैपिटल F और उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर करती है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल स्मॉल v का व्यंजक विमाओं की सहायता से स्थापित कीजिए। ठीक, अब इस आधार पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऊपर हमने विमा ले दिया, अर्थात इंडिकेशंस जो भी हमें मिले हैं v, कैपिटल F और एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m, इन सब के विमा लिख दिया। तो चाल स्मॉल v की विमा क्या होती है, एल टी के पावर माइनस वन, फोर्स की विमा होती है एम एल टी के पावर माइनस टू, एकांक लंबाई का द्रव्यमान का पहले बताओ सूत्र क्या होता है, कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई, यही है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो इस आधार फॉर्मूले के आधार पर हम देखें इसकी डायमेंशन क्या होगी, स्मॉल m की डायमेंशन, m है तो ऊपर m लिख दिया, नीचे l है तो l लिख दिया, इस प्रकार से मिला स्मॉल m की विमा एम एल के पावर माइनस वन। बच्चे अक्सर यहीं पर मिस्टेक करते हैं, इसका खास ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, हमें स्मॉल v चाल की विमा ज्ञात, चाल का फार्मूला ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो v ज्ञात करना है तो f और स्मॉल m को समानुपाती के बाद में रखना है। ठीक, और उनके पावर a और b कर दिया, समानुपाती हटा दिया तो समानुपाती स्थिरांक k आ गया, इक्वल टू क्या मिला f के पावर a और m के पावर b। यहाँ पर अब हमें स्मॉल a और m, स्मॉल a और स्मॉल b का मान ज्ञात करना है। एक और बात अलग से ध्यान रखिएगा, प्रयोग द्वारा प्राप्त मान k इक्वल टू वन हम लास्ट में उपयोग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, यही हो गया आपका इक्वेशन नंबर वन। ठीक है ना, आगे इक्वेशन नंबर वन का हम उपयोग करने वाले हैं। अब ये जरा इसी की विमा हम रखते हैं। ठीक, तो v की विमा मिल गया एल टी के पावर माइनस वन, बराबर के सामने बराबर का चिन्ह, समानुपाती स्थिरांक की विमा होती नहीं है, फोर्स की हमने लिख दिया एम एल टी के पावर माइनस टू, और
एकांक लंबाई का द्रव्यमान की विमा हमने ले लिया ML के पावर माइनस वन, क्या हमने कहा ML के पावर माइनस वन के पावर B। तो यहाँ पर फोर्स में विमा है A और एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m की विमा क्या है स्मॉल B। तो अब हमें यहाँ पर स्मॉल A और B यानी कि A और B हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब जरा बराबर के बाद में यहाँ हम देखते हैं तो m भी आ रहा है, l भी आ रहा है, t भी आ रहा है, तो क्यों नहीं हम बराबर के पहले अगले पद में m के पावर जीरो कर लेते हैं, उसके आगे l और t तो दिखाई दे ही रहा है, l के पावर वन और t के पावर माइनस वन, इक्वल टू क्या मिला m के पावर a, l के पावर, ये चीज देखिए a और t के पावर हमें मिल गया माइनस टू ए, और फिर से m के पावर b और l के पावर माइनस वन और इंटू में b का गुणा कर लेते हैं तो हो गया माइनस b। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, अब हम देखते हैं m यहाँ पर दो बार आ रहा है तो इंटू में घात आपस में जुड़ती हैं तो m के पावर a प्लस b। l वाले को जरा देख लो, ये l दो जगह आ रहा है, ठीक है ना, तो l के पावर a और l के पावर माइनस b, तो l के पावर a माइनस b मिला, और t के पावर कितना है माइनस टू ए जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंपेयरिंग करने पर, तुलना करने पर हमें मिला पहले a और b, a और माइनस b दो दो टर्म है और t के पावर माइनस टू ए मतलब केवल एक टर्म स्मॉल a है, क्यों नहीं हम पहले t को कंपेयर करते हैं, तो तभी तो हम t को कंपेयर करके देखते हैं पावर में क्या मिलता है, t के पावर माइनस टू ए तो माइनस टू ए लिख दिया और t के पावर यहाँ पर माइनस वन तो यहाँ पर माइनस वन, तो माइनस माइनस कैंसिल कीजिए तो यह हमें वैल्यू मिला a इक्वल टू वन बाई टू, ठीक। अब m को देखो तो हमें क्या मिला a प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, और a की वैल्यू वन बाई टू आ चुका है, ठीक, तो a की वैल्यू वन बाई टू, तो वन बाई टू प्लस बी इक्वल टू जीरो मीन्स हमें मिला b इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब समीकरण एक में यहाँ पर देखो दो दिखाई दे रहा है, समीकरण एक में a और b का मान रखने पर हमें क्या मिलता है v इक्वल टू समानुपाती स्थिरांक k, देखिए इशारे में हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना, और e के पावर क्या मिला यहाँ पर a और m के पावर b, तो a के पावर ये a का मान हो गया वन बाई टू और m के पावर मान हो गया b का मान यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है माइनस वन बाई टू, तो e के पावर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है वन बाई टू और स्मॉल m के पावर क्या दिखाई दे रहा है माइनस वन बाई टू। माइनस वन बाई टू को नीचे लाओगे तो वन बाई टू आएगा और पावर वन बाई टू को अंडर रूट कहते हैं, तो इस प्रकार से हमें मिलेगा e के पावर वन बाई टू और नीचे स्मॉल m के पावर माइनस वन बाई टू का प्लस वन बाई टू, तो इस प्रकार से हमें चाल स्मॉल v की विमा का फॉर्मूला मिल गया v इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल F अपॉन स्मॉल m। इस प्रकार से ये चैप्टर का टॉपिक निपट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।